Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. So welcome back to AK Education Group. तो आप लोग मुझे ये बताइए कि किसने पुरानी से पुरानी इमारतें देखी है जो कि आपके पूर्वजों की है, दादा दादी या फिर दादा दादी के पेरेंट्स की। तो आपने ऐसी कोई बिल्डिंग देखी है अपनी लाइफ में जो कि आज के टाइम में बहुत खंडर टाइप की हो चुकी है, भूत बंगला नज़र आता है उसमें। तो अगर आप उस ऐसी बिल्डिंग को देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि वहाँ के जो पहले के लोग हैं वो किस तरीके से रहते थे, हमारे जो पूर्वज हैं उनका क्या कल्चर हुआ करता था, वो किस तरीके से ट्रेड करते थे, क्या क्या टेक्निक यूज़ करते थे वो। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है इन द अर्लीस्ट सिटी, पहले की सिटी के बारे में। तो जो कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगन, ये इस तरीके की जो सिटीज़ हैं वो किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से फिर डिक्लाइन हुई, और फिर इसके बाद जो ये है इसकी जो खोज कैसे की गई है कि ये हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पर इतना डेवलप था, ये कौन लोग थे जिन्होंने ये एग्जीवेशन किया, ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। वन थिंग मोर कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिए, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, ओके। ताकि मैं अगर जितने ज़्यादा से लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे एंड शेयर करेंगे तो उतना मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं आपके लिए और अच्छी इफेक्टफुल और फ्रूटफुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ वॉच द इंटायर वीडियो, ओके। आज हम इस चैप्टर को एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी तो उसे हम किस तरीके से वो एग्जिस्टेंस हुई, मतलब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी या नहीं थी। तो हमें ऐसे पता चलता है कि जो हमारे 200 ईयर्स तक हमारी जो हमारी कंट्री पर अंग्रेज़ों ने शासन किया उसके ज़रिए उन्होंने यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट भी किया। तो अगर हम देखें तो 150 साल पहले की बात है कि यहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या करा, जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पंजाब में उन्होंने एक्सकवेशन करना स्टार्ट किया, डिगिंग करनी स्टार्ट करी फॉर द रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि यहाँ पर हाई क्वालिटी की ब्रिक्स यहाँ पर उन्हें दिखाई दी जो कि रेडीमेड थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से वो बनी हुई थी। जो वहाँ की वॉल हुआ करती थी वो काफ़ी इंटरलॉक थी और काफ़ी थिक थी। आज के टाइम में देखेंगे ना कि जब हम हाउस बनाते हैं तो ये ज़्यादा थिक लेयर की हम वो वॉल नहीं बनाते, तो उस टाइम पर बहुत थिक हुआ करती थी और बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी जो बिल्डिंग थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। जब भी तो आज के टाइम में देखेंगे कि 16वीं शताब्दी में जो बिल्डिंग बनी थी, जो मॉन्यूमेंट्स बने थे, वो आज भी ऐसे के ऐसे ही है ना, डिस्ट्रॉय नहीं हुए कम्प्लीटली। तो जैसे कि अभी आप कोई भी मॉन्यूमेंट्स में चले जाए, जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सारे इस तरीके के बने हुए हैं ना। तो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो सिटी है, जब उन्होंने डिगिंग करना स्टार्ट करा तो यहाँ पर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो ये जो सिटी है यहाँ पर, ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, तो ऑन द कॉन्टिनेंट पर। और उन्होंने इसी तरीके से कई सारी सिमिलरली बिल्डिंग को देखा, जैसे उन्हें पता चला हड़प्पा सभ्यता फाइंड किया, देन अदर सिटीज जो फाइंड की है। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका डेवलपमेंट उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बताया कि 4700 ईयर्स एगो था, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम चलते कि व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटी, इन सिटी में क्या स्पेशल हुआ करता था, जैसे कि आज के टाइम में क्या, किस तरीके के वहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ करता था, किस तरीके से ट्रेड हुआ करते थे, क्या लाइफ स्टाइल था। तो अब हम इसके बारे में इस तरीके से पढ़ेंगे। तो जो इस सिटी में जो था कि जो ये सिटी जो मोस्टली थी दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एक वेस्टर्न और दूसरा ईस्टर्न। तो वेस्टर्न जो साइड है वो काफ़ी डेवलप एरिया था, ठीक है, और जो ईस्टर्न साइड है कंपेयर टू ईस्टर्न साइड के, जिसे हम अगर हम वैसे देखें तो ईस्टर्न साइड को लोअर टाउन भी बोलते हैं, है ना, और बट जो हायर टाउन, हायर डेवलप जो था वो वेस्टर्न था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वहाँ देखें कि जो वॉल जो थी वो काफ़ी बैक्ड, मतलब पकी हुई थी, मतलब भट्टों में काफ़ी अच्छे से पकी हुई थी, एंड बिल्ड अराउंड द ईच पार्ट, और हर एक पार्ट उसका बना हुआ था, ब्रिक्स से वॉल तैयार की गई, एंड लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये जो ब्रिक्स है ये इंटरलॉक आपस में, जो इनका कॉम्बिनेशन है इंटरलॉक का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो कि अगर हम देखें कि डैमेज जल्दी नहीं हुआ करता था। तो अगर हम यहाँ पर देखें
इन सम सिटीज़ के अंदर, तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्टेड थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो वहाँ पर हमें बाथ टब देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम में अगर हम आज के टाइम की बात करें तो जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया ताकि ओपन डिफिकेशन ना हो, लेकिन हम देखेंगे 4000 ईयर एगो की बात है कि वहाँ पर इस तरीके के क्लीन सिटी, एकदम क्लीन सिटी हमें देखने को मिलती थी एंड कोई ओपन डेफिकेशन नहीं था, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रहता था। तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि वहाँ पर जो लोग हैं वो उनके घरों में क्या था, एक बहुत बड़ा बिग टैंक था ताकि जो उसमें बात कर सकें, ठीक है, और हर घर में पाया जाता था वो, ये नहीं कि ओपन डिफिकेट नहीं करते थे वो लोग, और जो वो बनाया जाता था वो काफ़ी ब्रिक्स के थ्रू बनाया जाता था, उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता था ताकि जो वाटर है वो कहीं से भी लीक ना हो सके। तो उसकी जो लेयर होती थी वो नेचुरल टार से बनाई जाती थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो इसके अंदर रूम्स वगैरह बनाए जाते थे तो वाटर जो प्रॉब्ली जो थे इसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे डिफाइन तरीके से बनाया जाता था, जैसे कि आज हम देखते हैं नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम जो है घर में, जो हम पानी जाता है वो कहाँ जाता है, किस तरीके से जाता है, तो उस तरीके उस सिमिलर वे में वहाँ पर भी इस तरीके से होता था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाता था, जैसे कि पहले छोटी नाली से फिर बड़ी नाली, और बड़ी नाली से टैंक के अंदर वाटर का फ्लो होता था, ठीक है। आप लोगों में से ये बताइए कि कितने लोगों ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है, देखिए आप लोगों ने मूवी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो मोहनजोदड़ो है वो किस तरीके की सिटी थी, वहाँ पर किस तरीके से डेवलपमेंट होता था, किस तरीके से ट्रेड होता था एंड बाथ टब्स वगैरह की आपको वहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो वो मूवी अगर जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ जाकर एक बार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा और क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम वेस्टर्न साइड में, अगर हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे पाकिस्तान में, तो हमें यहाँ पर मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है, जैसे कि सुक्ता को है ना, ये भी कहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी पाकिस्तान में देखने को मिलता है। धोरावीरा, सरकोटा, ये लोथल जो है ये हमें अपने गुजरात टाउन में देखने को मिलता है। एंड अगर हम यहाँ पर जाएँ कालीबंगन, राखीगढ़ी, हरप्पा, तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हरियाणा पंजाब में देखने को मिलता है। एंड यहाँ ये चुंदारो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये बहुत सारी सिटीज जो हैं वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में डिवाइडेड थी, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर कि किस तरीके से जो अदर सिटीज़ थी, जैसे कालीबंगन, लोथल एंड वहाँ पर किस तरीके का सेक्रीफाइस होता था, जैसे कि आज के टाइम में हवन कुंड होता है ना, हवन होता है लोगों के घर में, तो उस तरीके का वहाँ पर भी उस टाइम पर भी हवन किया जाता था और वो सेक्रीफाइस करते थे अपने परफॉर्म को। अगर अदर सिटीज़ की बात करें, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में यहाँ पर स्टोर हाउसेस डेवलप किए जाते थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो भी हमने मोहनजोदड़ो के बाद ग्रेट बाथ टब की बात करी, तो वो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता था यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्या था होते थे कि साइड में रूम्स बनाए जाते थे, जो कि बट जो बाथ टब है वो बिल्कुल अलग वो सेपरेट बनाया जाता था। यू कैन सी देखो कि कितने शानदार तरीके से, कितना सिक्वेंसली, कितना फाइन वे में ये बाथ टब बनाया गया है, और ये जो बिल्कुल है वाटर टाइट बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम हाउस के ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रीट की बात करें, तो यहाँ पर जो है किस जनरली किस तरीके के हाउसेज मिलते थे, वन और टू स्टोरी टाइप में मिलते थे, जैसे कि विद रूम के साथ मिलते थे, कोटरियाज होते थे हाउसेज एंड सेपरेट बाथ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेपरेट बाथरूम हुआ करता था, है ना। तो इस तरीके के वेल जो है सप्लाई, वाटर की सप्लाई जो है वो कितने अच्छे से तरीके से होती थी, जो कि मतलब आज के टाइम में हम टंकी वगैरह लगाते हैं, बट उस तरीके से उस टाइम पर भी किस तरीके बहुत जेंटली स्लोप हुआ करता था वहाँ पर जो वाटर वगैरह है, ठीक है। तो थ्री टाइप्स की चीज़ें हैं, जैसे कि हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट, यहाँ पर जो है वो बहुत प्लान तरीके से बनाई जाती थी, जो कि बहुत प्लान तरीके से और सेम टाइम में यूज़ होता था। अगर हम यहाँ पर देखें जो ब्रिक्स वगैरह हैं, किस तरीके से ब्रिक्स किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रखा है, देखो कितना ठीक है, इंटरलॉक हो रखी है ये एक दूसरे से जो ब्रिक्स है, ताकि ये जो है इसका इस जो वॉल है उसका स्ट्रॉन्गनेस बनी रहे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक। अब बात करें अगर लाइफ इन द सिटी, इन सिटी में किस तरीके की लाइफ स्टाइल हुआ करती थी, तो ये सबसे जो हड़प्पा जो सिटी है वो सबसे ज़्यादा बिजेस्ट प्लेस माना जाता है।
बिकॉज जो पीपल हैं वो बहुत प्लान तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, प्लान तरीके से वो बिजनेस करते थे, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते थे। मोस्टली जो रूलर्स हैं, जैसे कि वो जो कीमती चीज़ें हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जो भेजते थे, वो जैसे कि मेटल प्रीसेस स्टोन एंड अदर्स थिंग, तो वो बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही सीक्रेटली, बहुत ही सेपरेटली, सेफ्टी करके वो एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स देम, और कुछ स्क्राइब ऐसे बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड पर्सन होते थे, जिस चीज़ में जो पर्सन स्किलफुल होता था तो उसे वही काम दिया जाता था। ऐसा नहीं कि जो दूसरे काम में स्किल हो, जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हमारे पास जॉब है और जॉब वो मिल जाए जो हम चाहते हैं, तो हम उसमें बहुत बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। बट अगर जो हमें जॉब जो हमारे पास स्किल है और उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो हम अच्छा इफेक्टफुल काम नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से उस टाइम पर क्या होता था कि जो लोग जिस चीज़ में एफिशिएंट थे वो काम उन्हें उसे मिल जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि किसी को बीड्स का काम करते थे, कोई सिल्वर का काम करते थे, कोई किसी चीज़ का काम करते थे, तो वो उन्हें उस चीज़ में महारत जो है वो होती थी। ठीक है, अगर हम सील की बात करें तो जैसे कि जो चीज़ हम अभी इंपोर्ट अमेजोन से मंगाते हैं ना, तो हमें यहाँ पर अमेजोन से मंगाते हैं या फिर किसी और चीज़ से या फिर स्पीड पोस्ट करते हैं, तो हमें सील देखने को मिलती है। तो उस टाइम पर भी सील का प्रयोग होता था, जैसे कि क्ले के द्वारा जो है प्रिंट, उससे जो चीज़ पहुँचाई जाती थी उसका एक पर्टिकुलर सील का सिस्टम हुआ करता था, सील का एक प्रिंट हुआ करता था, जो कि मैं आगे चल के अभी आपको दिखाऊँगी। तो अभी आप कंटिन्यू देखते रहिए। वो लोग पहले क्या करते थे, जो सील है उसमें कुछ लिखा करते थे मटेरियल के ऊपर, ताकि जो वुमेन मैन जो है दोनों ही मिलकर क्राफ्ट पर्सन थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे कि खुद का घर, स्पेशल वर्कशॉप खोलते थे, ट्रेवलिंग एक जगह से दूसरी जगह पर, और फिर देन जैसे कि आज के टाइम में हम जॉब करने के लिए जाते हैं अपने घर से, फिर देन हम रिटर्न में अपने घर ही वापस आते हैं। तो उस तरीके से वहाँ के लोग भी अपने घर रिटर्न हुआ करते थे, एंड रॉ मटेरियल्स वगैरह स्टोरीज टेराकोटा से, जैसे कि टेराकोटा क्या है, टेराकोटा एक टॉयज़ है, जैसे कि जो पक्के टॉयज़ बनाए जाते थे जिससे कि बच्चे खेल सके उनके। ठीक है, तो इस तरीके का वहाँ पर चीज़ें हुआ करती थी, इस तरीके का यहाँ पर इतना ब्यूटीफुली प्लान तरीके से जो है वो सिटी चलती थी। नाउ यू कैन सी दिस इज़ वहाँ पर स्क्रिप्ट भी हुआ करती थी, जो कि अभी तक डेसिफर नहीं हुई, मतलब अभी तक रीडेबल नहीं है, हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बट अगर हम टेराकोटा से टॉयज़ की बात करें, तो ये टॉयज़ इस तरीके से बनाते थे ताकि बच्चे उनसे प्ले कर सके। तो ये यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे स्कॉलर्स ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डेवलप हुई है, तब हमने जानने लगे कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता भी होती थी, हमसे पहले भी दुनिया बसती थी, और किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर बीड्स हुआ करते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स थे जो हड़प्पा सभ्यता में, ये हमें देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि जो ये स्टोन है, सेल्स है, मेटल है, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ये जो हैं इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि वेपन्स बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाई जाती थी, गोल्ड से सिल्वर, इस तरीके के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बनाए जाते थे। यू कैन सी दिस इज़ रेड कलर की जो है बिट्स हैं इनके थ्रू, ये जैसे कि नेकलेस टाइप में दिख रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी फाइन तरीके से पॉलिश किए जाती थी, और उसी के ज़रिए हम यहाँ पर एक ब्यूटीफुली चीज़ें देखने को मिलती। नाउ यू कैन सी किस तरीके से होल, ईयर रिंग्स एंड टूल्स एंड जो ब्लेड्स वगैरह हैं किस तरीके से बनाए जाते थे। अब नाउ यू कैन सी ये दिस पिक्चर। तो ये एक कोई ऐसा हुआ करता था जो रूलर्स होते थे, तो उनके पिक्चर बनाई जाती थी और उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, जो कि हमें देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो में। और किस तरीके के कपड़े पहनते थे, उस तरीके का प्रिंट उसके बॉडी पर किया गया है, शेविंग किस तरीके से रखते थे वो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और इन स्टोन पर उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, की बात करें तो यहाँ पर कॉटन जो है हमारा न्यूलिथिक एज से ही हमें देखने को मिल गया था कि वहाँ पर भी कल्टीवेशन होता था, ग्रोन होती थी कॉटन, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूसली होती थी 7000 ऑफ ईयर तक। ठीक है, पहले तक
अब अगर हम यहाँ पर बात करें जो कुछ लीड ऑफ सिल्वर है, कॉपर के ऑब्जेक्ट हैं, तो इस तरीके के आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर पाया है कि वहाँ पर लोग जो है कॉटन से कपड़ा बनाते थे, धागा बनाते थे, देन उसके बाद कपड़ा भी, उसका भी इन्वेंशन होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर फियांस की बात करें तो यहाँ पर फियांस का क्या, व्हाट इज़ द फियांस? फियांस एक चीज़, ऐसा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है जिसमें जो चीज़ें हैं जैसे कि कुछ फिनिश्ड करने के लिए, आज जैसे कि अगर हम अपना घर कंस्ट्रक्ट करते तो हमें जो मार्बल पत्थर बिछाते हैं तो हमें उसे शार्पन करने की ज़रूरत होती है ना, तो उसके लिए मशीन आती है, तो उसी तरीके से एक फियांस जो स्टोन है तो वो क्या करता था, जो गुड्स वगैरह बनाते थे या ऑब्जेक्ट्स बनाते थे तो उसको शार्पन शाइनिंग देने के लिए काम आता था। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे कि अगर हम टॉयज़ बना रहे हैं तो टॉयज़ को किस तरीके से शार्प कर सकते हैं, शाइनिंग कर सकते हैं, या फिर हम कोई ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं तो उस ऑर्नामेंट्स को कितना शाइनिंग फाइन वे में उसे बनाते हैं, ग्लेजिंग तरीके से, तो वो उस काम में आता था ये। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें हमें समझ में आ गई है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो मोस्टली जो प्रोडक्ट होते थे वो बहुत स्पेशलिस्ट होते थे। स्पेशलिस्ट इज़ ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड, जो अभी जैसे कि मैंने बताया जो पर्सन जो जैसा ट्रेंड हुआ करता था, जो उसके पास स्किल थी उसे वही काम दिया जाता था। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग, जिसे पॉलिश करना पसंद था तो वो पॉलिश करता था, कार्विंग, सील, किसी को सील पैक करना अच्छा लगता था, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम देखें कि जो बियर्ड्स हैं तो इस तरीके के हमें एक्सपर्ट जो हैं, जो एक्सपर्ट हुआ करते थे अपने काम में, तो वो उसके क्राफ्ट के काम में हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसमें इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, बहुत सारे वुड्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, प्रोड्यूस फार्मर्स क्या करते हैं, जो बहुत सारे चरवाहे होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स वगैरह को एक साथ रखते हैं, पालते हैं उन्हें, है ना, तो इस तरीके से प्रोड्यूस फिनिश्ड हुआ करते थे, जैसे गुड्स, एग्जांपल के तौर पे कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, जैसे कि रॉ मटेरियल में हो गया कॉटन, एंड देन उसके बाद फिनिश्ड गुड बना दिया उन्होंने क्लॉथ्स में, तो इस तरीके के सारे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि हड़प्पा में यूज़ होते थे लोकली आइटम्स, जैसे कि कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसेस स्टोन एंड ब्रॉन्ज, इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें हड़प्पा, प्रोबेबली मोस्टली जो है यहाँ पर कॉपर देखने को मिलते हैं हड़प्पा के अंदर, और जो कि हड़प्पा ये कहाँ पर प्रेजेंट है, राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर हमें यहाँ पर अभी भी क्या देखने को मिलता है, कॉपर देखने को मिलता है। एंड इवन अगर हम ओमान की बात करें, जो हमें अभी करंट ओमान है ना, ओमान, सी, यूएई वगैरह, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वेस्ट एशिया के अंदर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मिक्स कॉपर की, और मिक्स कॉपर कैसे बनता है, टीन जो है वो मिक्स से बनता है, जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज से दोनों का कॉम्बिनेशन होकर मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलता है, जो कि आज प्रेजेंटली अफ़गानिस्तान एंड ईरान के अंदर हमें जाके देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है हमारा प्रेजेंट कर्नाटक का जो हमारा स्टेट है उसमें देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा प्रीसेसली स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं मोस्टली। तो यू कैन सी, अगर हम ट्रेड की बात करें तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते थे तो वो किस तरीके से लेके जाते थे, तो कोई ना कोई व्हीकल वगैरह तो होगा, तो उन वहाँ पर इस तरीके के व्हीकल्स भी यूज़ होते थे। ठीक है, और स्टैम्प वगैरह यहाँ पर इस तरीके की पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी। अगर हम फूड्स एंड उनकी सिटीज़ के बारे में बात करें कि वो क्या करते थे, किस तरीके खाते थे, किस तरीके से रहते थे, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो पीपल्स हैं वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कल्टीवेशन करते थे, ग्रो करते थे क्रॉप्स को, एनिमल्स को पालते थे, तो इस तरीके के वहाँ पर उन्हें फूड्स वगैरह, क्राफ्ट्स वगैरह का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा खासा। तो यहाँ पर प्लांटेशन हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता में, जो हमें देखने को मिलता है मोस्टली वीट, बार्ले, पल्स, पीस, राइस, सीसम, नीन सीड एंड मस्टर्ड जो है हमें देखने को मिलता है। अगर हम टूल्स की बात करें तो वो किस तरीके के प्लग वगैरह हुआ करते थे, तो इस तरीके के प्लग्स हुआ करते थे, यू कैन सी। तो यहाँ पर जो है मोस्टली कम्युनिटी जो है ओनली मेन जो है वो प्लगिंग का काम करते थे, और हमेशा जो हड़प्पा है वो कस्टम्स यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें जो कि प्लग्स
काम आता था, ये डिगिंग के काम आता था खोदने के लिए, ताकि जो सॉइल्स है या हम कोई भी प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो हमें सॉइल्स को, सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। हम सॉइल को ऊपर ऊपर नीचे करते हैं, देन हम उसमें खाद डालते हैं, तो उस सीड डालते हैं, तो हमें उसलिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हमें प्लग की ज़रूरत पड़ी, प्लेट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ी है, तो यहाँ पड़ती थी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से हाईलाइट डेवलप था ऑल अराउंड, है ना। तो अगर हम यहाँ पर रेनफॉल की बात करें तो अभी भी हम देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पर हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन देखने को मिलती है, वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो इनफ वाटर जो था वो था, होता था यहाँ पर, बट कुछ एरिया में ऐसा भी होता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी। जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती तो हम वहाँ पर क्या करना पड़ता था, स्टोर करना पड़ता था वाटर को, एंड देन एग्रीकल्चर उस वाटर से करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बेफेलो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाटर एंड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड अगर हम पॉस्चर की बात करें, वाटर एंड पॉस्चर जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, एंड सेटलमेंट भी काफ़ी अच्छा था। अगर हम यहाँ पर ड्राई की बात करें तो ड्राई समर जो है लार्जर एनिमल्स वगैरह जो है यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनिमल्स वगैरह ग्रास वगैरह को की सर्चिंग में, वाटर की सर्चिंग में एक जगह से दूसरी जगह पर के लिए फूड्स के लिए भी जाते थे। और हड़प्पा सभ्यता में हमें कौन कौन से फूड्स मिलते थे, जैसे कि बेर, कॉड, फिश, हॉन्टिंग, वाइल्ड एनिमल लाइक, इस तरीके की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें जो हड़प्पा सभ्यता है, ये टाउन जो है वो किस तरीके के हुआ करते थे, तो हमने देखा जैसे कि धोलावीरा है, ये हमें जो देखे जो धोलावीरा जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में हमारी कंट्री में। तो कादिर बेट जो है ऑल्सो स्पेल्ड अप एज ए बेल्ट रन ऑफ कच्छ के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर, फर्टाइल सोइल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर। और जो हड़प्पा सभ्यता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, धोला और बल्कि जो धोलावीरा जो है वो थ्री पार्ट्स में है, एंड ईच पार्ट्स जो है सराउंडेड है मैसिव स्टोन, बहुत ज़्यादा स्टोन है हर एक पार्ट के अंदर, जिसकी वॉल्स वगैरह हैं। यहाँ पर जो थ्रू आउट गेट्स वे दिखाई देते हैं, देर इज ऑल्सो लार्ज ओपन एरियाज हैं यहाँ पर, और बहुत ही लार्ज एरियाज में यहाँ पर लोगों का सेटलमेंट है। यहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज भी हुआ करती थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें लेटर्स ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट की, तो यहाँ पर कर्व शेप में हमें देखते था, जो कि वाइट स्टोन एंड वाइट एंड ब्लैक का जो था वाइट स्टोन हुआ करते थे, और इन लैंड ऑफ वुड के ऊपर एंड यूनिक फाइन एंड जनरली राइटिंग जो है हड़प्पा सभ्यता की वो फाउंड होती थी स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, छोटे छोटे जो भी सामान हुआ करते थे उसके ऊपर हमें सील देखने को मिलती थी। अगर हम लोथल सिटी की बात करें, तो यहाँ पर जो ये सिटी है इसकी ट्रिब्यूटरीज ऑफ साबरमती के ऊपर था, इन्हें गुजरात के अंदर, और ये गल्फ ऑफ खमबाद के अंदर इसका मतलब बंद होता था ये जो सिटी है। इट वाज ए नियरेस्ट एरिया जो गल्फ ऑफ खमबाद से अटैच था, ठीक है। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, तो यहाँ पर हमें सेमी प्रीसेस स्टोन मिलते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रीसेस स्टोन कहाँ मिलते थे, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा में। तो यहाँ पर हमें सेमी प्रीसेस स्टोन देखने को मिलते हैं, जो कि इजीली यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द स्टोन, जो स्टोन से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते थे, जैसे सेल्स है मेटल्स वगैरह से, इन सबसे भी यूज़ होते थे। यहाँ पर स्टोर हाउसेस भी बनाए गए थे बहुत सारी सिटी में, जैसे कि सील्स एंड सीलिंग इंप्रेशन ऑफ द सील्स, सील जो है वो क्ले वगैरह से बनाई जाती थी और उसके ऊपर प्रिंट किया जाता था, स्टोर हाउस यहाँ पर का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। अब अगर हम बिल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वर्कशॉप हुआ करती थी, जो कि बीड्स, पीसेस, स्टोन, इन सब चीज़ों को बनाया करते थे, ठीक है। फिनिश्ड वुड बनाया करते थे, जैसे कि हमने अभी देखा कि ऑर्नामेंट्स वगैरह से ज्वेलरी वगैरह, ईयरिंग्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। अगर हम सेल्स वगैरह की बात करें, तो ये सेल्स क्या है, ये सेल्स जो है एक इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि आज के टाइम में हम इस टाइम पर यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम पर वो सेल्स क्ले वगैरह से बनाए जाते थे, और जो भी गुड्स वगैरह होते थे उसे एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते थे या लेके जाया करते थे। अगर हम और जो बैग्स वगैरह हुआ करते थे उसको बंद कर टाइटली बंद करते थे, ताकि जो चीज़ें हैं वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें, ठीक है।
अगर हम मिस्ट्री ऑफ एंड की बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो एंड किस तरीके से हुआ, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो 3900 ईयर एगो की जो बात है उसमें बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस, काफ़ी चेंजेस आए। जैसे कि पहले तो स्टार्ट हुआ कि हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल वेल डेवलप हो गई थी, बहुत ज़्यादा हाई टेक्निक उसमें यूज़ हो गई थी, एकदम स्वच्छ भारत स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े टप्पू से हुआ करते थे, रूम्स वगैरह काफ़ी बड़े थे, सील्स वगैरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर, इनफैक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जैसे फ्यांस वगैरह है तो हमें ये ईरान से एक्सपोर्ट हुआ इंपोर्ट होता था, तो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती थी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिला कि हम यहाँ पर जो ये सभ्यता है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी यहाँ पर। बट अब इसका एंड इसलिए हुआ कि सम आर्कियोलॉजिस्ट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि जो उन्होंने रीज़न दिया कि जो ये एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था यहाँ पर, जो जब ड्राई हो गया तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला, जब डिफॉरेस्टेशन हो गया तो यहाँ पर हमें वुड्स देखने को नहीं मिलेगा, वुड्स नहीं दिखेगी तो हमें फ्यूल्स वगैरह हमें यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। देन अगर लार्ज यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, डिफॉरेस्टेशन होगा तो यहाँ पर हमें एनिमल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो कुछ जगह पर क्या हुआ था कि यहाँ पर बोला जाता है कि फ्लड्स वगैरह आ गए थे, कुछ जगह पर ड्राई हो गया था, तो यहाँ पर जो सर्वाइवल लाइफ है या वो बहुत अनकंट्रोलेबल हो गई थी। जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे तो वो भी अनकंट्रोलेबल, उनके अंडर में भी कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आ गया था, और नेचुरल डिजास्टर के आगे किसी की भी नहीं चलती, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह, हमें फ्लड्स या वोल्केनोस हमें देखते हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता ना, हमारे ये ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होता, तो ये चीज़ें नेचुरल जब डिज़ास्टर आता है तो फिर सब कुछ ख़त्म कर देता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो सिंध है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, सिंध यहाँ पंजाब में देखने को मिलता है, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है ना। तो मोस्टली पीपल जो है स्मॉलेस्ट सेटलमेंट यहाँ रहते थे, जो कि अब नहीं देखने को मिलता। अब अगर हम यहाँ पर देखें, एक छोटा सा एल्सवेयर देखें, तो यहाँ पर जो है इजिप्ट, ये इजिप्ट के अंदर है, जो वेस्ट एशिया का पार्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे, सॉरी अफ्रीका के अंदर है। तो ये क्या चीज़ है कि अफ्रीका जो है एक डेजर्ट कंट्री है मोस्टली, जो यहाँ पर है क्योंकि थ्री लाइंस यहाँ पर होकर गुजरती हैं, तो यहाँ पर जो है इक्वेटर होकर मोस्टली जो लैंड है वो क्या होती है, ड्राई है, ड्राई डेजर्ट है ना। तो ऑलमोस्ट 5000 ईयर एगो की बात है, यहाँ पर क्या हुआ करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे जैसे किंग्स वगैरह, तो यहाँ पर उन्हें अपनी यहाँ पर आर्मीज वगैरह को भेजते थे एक दूसरे की जगह, एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इजिप्ट है, यहाँ पर हमें गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीसेस स्टोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कि इनसे जो है ह्यूज टॉम वगैरह, जब ये सारी चीज़ें बनाई गई तो यहाँ पर किंग्स जो है वो अपना यहाँ पर इन्होंने टॉम्स वगैरह बनाने की सोची, जिसे हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि जब हम हमारी डेथ हो जाएगी तो यहीं पर बुरियल हो जाएंगे, यहीं पर हम दफन हो जाएंगे एज अ मम्मी, वह एक मम्मी के उसमें। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे उन्होंने अपनी मम्मीज़ बनानी स्टार्ट कर दी पिरामिड्स के थ्रू, और उसके अंदर उन्होंने अपने कुछ खाने पीने के ज़रूरियात सामान उन्होंने रख लिए, जो कैटल्स वगैरह हैं उन्होंने, एनिमल्स वगैरह हैं जो यूटिलाइज होते थे, तो वो सारे आर्मी स्टोन्स और ब्लेड्स टूल्स वगैरह ये सारे उन्होंने अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया। बाद में चल के जो बाद के जो किंग्स हुआ करते थे, तो उन्होंने जो उनके गुलाम वगैरह हुआ करते थे जैसे कि मैन वुमेन, तो उन्होंने अपने साथ उन्हें भी ब्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो हमारा एशिया है, तो इसमें वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है ये बुरियल, जिसे हम मम्मीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसे, आई होप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स, ओके। सो थैंक यू सो मच।